फाइनली आ चुके हैं ऑटो में और अभी जा रहे हैं ब्लू फ्लेक्स बीच। तो आ चुके हैं हम गोल्डन बीच में, जिसको ब्लू फ्लेक्स बीच भी कहा जाता है, जैसे डॉल्फिन बीच में 20 रुपया, ऑयस्टर भी जैसे है 300 रुपया और सारे के सारे 300 प्राइस में है। और जो स्प्लैश है वो भी ओनली फॉर बाथिंग के लिए 50 रुपीज़ है और सेल है। अगर आप अगर टूरिस्ट हैं डे पास आते हैं तो इट विल कॉस्ट 200 रुपीज़। आपका पार्किंग स्पेस अगर बाइक वगैरह लाते हैं यहाँ पे पार्क करेंगे। एक कैफ़े है, रिफ्रेशमेंट जोन है, तो वहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। तो जैसे आप एंट्री कर गए था एंट्रांस, और उसके बाद यहाँ पे पानी पीने के लिए फैसिलिटीज़, पानी का भी गजब का है। आप जाएंगे पानी फ्री है यहाँ पे, 300 ml का पानी, और आपका जैसे कप का ग्लास में देंगे। यहाँ पे एक होटल है जमींदार पैलेस बोल के। यहाँ पे जैसे छोटा सा पार्क भी है बच्चों के लिए। इस तरफ है आपका टॉयलेट। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप बीच में देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको क्राउड नजर नहीं आएगा, बहुत ही खाली है और काइंड ऑफ प्राइवेट बीच है ये। कहीं पे भी हर जगह पे आपको बैठने के लिए, सिटिंग प्लेसेस के लिए चेयर्स वगैरह है, रेक्लाइनर्स हैं, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। आप जैसे देख सकते हैं अभी यहाँ पे जैसे ये वाला प्लेस है बैठने के लिए, तो आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, तो उस तरह से वहाँ से लेके उस एंड तक है और शायद तक वो वाला जो है वो वाला और एक बीच है, उसको ओएस्टर बीच बोलते हैं। तो उस तरह से आपको पूरा लाइन में आपको रिक्लाइनर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे आप वहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ पे है बीच, जनरली यहाँ पे नहाते लोगों को तो मैं नहीं देख रहा हूँ नहाते हुए। नहाने के लिए शायद तक उस साइड है, उस तरफ नहाने के लिए आपको अलग से 50 रुपये का एंट्री टिकट कटवाना पड़ेगा और आप नहा सकते हैं यहाँ पे। और ये एक बीच बहुत ही क्लीन बीच है। तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर के पास। तो काफ़ी तरह से आप कपल फ्रेंडली भी, अगर आपको एक गर्लफ्रेंड के या फिर गर्लफ्रेंड है, आपके फ्रेंड जो भी है उनके साथ आना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये बीच बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। 20 रुपीज़ का टिकट है, 3 आवर्स का टाइम है, आप कोई क्राउड, ज़्यादा क्राउड नहीं, आप कहीं पर बैठिए, मतलब व्यस्ती कीजिए, जो भी करना है करते रहिए, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, ये सारे के सारे चेयर्स वगैरह भी आप फ्री में आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो ये है पुरी का गोल्डन बीच, जो कि प्राइवेट बीच है और आपको पड़ेगा 20 रुपीज़ ओनली, आपको टिकट काट के आना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बीच है ये आपको क्राउडेड नहीं है, लेस क्राउडेड है, बिल्कुल क्राउड ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मतलब छोटा सा एरिया है, प्राइवेट बीच करवा दिए हैं, जो मतलब जो टैक्स के रूप में जो टिकट सिस्टम करवा दिए हैं 20 रुपीज़ में आएंगे, 3 आवर्स के लिए आ रहे हैं, कुछ ख़राब नहीं है। अगर आप फोटो शूट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो चेयर्स है जनरली खाली रह रहे हैं, कुछ प्लेसेस भी ऐसे हैं जहाँ पे आप फोटोज़ ले सकते हैं। नहाने के लिए 50 रुपीज़ अलग से, स्टार्टिंग से ही टिकट काट के आना पड़ेगा नहाने के लिए, और नहाने का जो 50 रुपीज़ का टिकट काट करेंगे तो आपको जो है 3 आवर्स के लिए वो भी है। तो
ओवरऑल वही है, अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे घूम के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आप प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है, कुछ ही नीट एंड क्लीन है। इवन आपका जो वाशरूम वगैरह है, वाशरूम भी बहुत ही अच्छा है, क्लास वाशरूम है यहाँ पे। बाकी ये सारा चीज़ जैसे ही है जो देख रहे हैं, देख सकते हैं किसी तरह भी क्राउड नहीं है, पूरा खाली खाली। साइड में वहाँ पे एक कपल भी थे जो आपस में उनका चला ही रहे थे चुमा चाटी जो भी है, बाकी चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा बीच है। अगर आपके पास पेट है तो आप यहाँ पे, पेट अलाउड नहीं है स्ट्रिक्टली, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेट अलाउड नहीं है, पेट्स आर नॉट अलाउड, यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, तो मिलते हैं।